पूजा खेडकर के बाद कई सारे आईएएस आईपीएस आईएफएस अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक किया, उन्होंने क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर का गलत फायदा उठाया। इस तरह के तमाम आरोपों के बीच एक और अफसर जो है आईएएस अफसर तेलंगाना से आते हैं, वो भी अब घिर गए हैं। करीमनगर के एडिशनल कलेक्टर है प्रफुल्ल देसाई, जिन पर तमाम आरोप लगे। प्रफुल्ल देसाई पर यह आरोप है कि उन्होंने ओएच कोटा का दुरुपयोग किया यूपीएससी एग्जाम में आने के लिए, यूपीएससी पास करने के लिए। ओएच यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोटा का दुरुपयोग किया, ऐसा उन पर आरोप है। ये आरोप क्यों लगाया जा रहा है आपको बता दें कि दरअसल प्रफुल्ल देसाई की कुछ हॉर्स राइडिंग करते हुए, फिजिकल एक्टिविटीज करते हुए कुछ तस्वीरें पहले सोशल मीडिया पर इस तरह वायरल हुई। पहले एक बार आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। एक फोटो में प्रफुल्ल देसाई अपने फ्रेंड्स के साथ एक हैदराबाद के टेनिस कोर्ट में सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। दूसरी फोटो में प्रफुल्ल देसाई एक बाइसाइकिल राइड करते हुए नजर आए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा केम्प्टी फॉल्स से 30 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हुए नजर आए, साथ ही ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग करते नजर आए, हॉर्स राइडिंग करते नजर आए। ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तभी सोशल मीडिया के बाशिंदे काफी कुछ लिखने लगे। एक यूजर ने लिखा, यूपीएससी के पास कुछ जादुई शक्तियां हैं। एक आईएएस अफसर जिसे ऑर्थोपेडिकली चैलेंज जो होता है सिलेक्शन से पहले, वो अब रिवर राफ्टिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है माइल्स माइल्स तक। एम्स हाइप्ड है, यूपीएससी असली अस्पताल है। आपको बता दें प्रफुल्ल देसाई ने 2019 में यूपीएससी क्रैक करके 532 रैंक पाई थी। अब इस पर प्रफुल्ल देसाई आईएएस का भी स्पष्टीकरण आ गया है, उन्होंने सभी दावों को काउंटर किया है। साथ ही साथ उससे पहले आपको इंडिया टुडे की वो रिपोर्ट की हम जानकारी दे देते हैं जिसमें इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंट्स को। आपको बता दें कि बेलगावी के अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट इंडिया टुडे ने एक्सेस की, जिसमें डॉक्टर ने ये सर्टिफाई किया है कि प्रफुल्ल देसाई को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और 45% डिसेबिलिटी है लेफ्ट लेग में पोलियो की वजह से। देसाई ने भी कहा कि उन्हें एक लेग में पोलियो है जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन वो वॉकिंग और साइकिलिंग कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के ही माध्यम से प्रफुल्ल देसाई ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने ये बात कही कि मैं एक रेगुलर बैडमिंटन प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मैं अपने बैचमेट्स के साथ वहाँ जाता हूँ। मेरी डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं चल नहीं सकता, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा खेलता हूँ। अपनी साइकिलिंग और ट्रैकिंग पिक्चर्स को लेकर प्रफुल्ल देसाई ने कहा कि इस डिसेबिलिटी के साथ मैं एक पैर के साथ पैडल कर सकता हूं और दूसरे को सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। हम मसूरी से केम्प्टी फॉल्स जरूर ट्रैवल किया हमने बाईसाइकिल पर, लेकिन मैंने थ्रू आउट यानी कि पूरे रास्ते मैंने साइकिलिंग नहीं की, मैं अपने दोस्तों के साथ वॉक करता रहा। पहाड़ों में ट्रैकिंग हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा था और आगे के ट्रैकिंग रूट के दौरान क्योंकि हम वापस आ रहे थे इसलिए साइकिलिंग की जरूरत ज्यादा नहीं थी, स्लोप था। यहाँ तक कि जो राफ्टिंग वाली मेरी पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की है। और इसके अलावा अपनी हॉर्स राइडिंग वाली पिक्चर का भी स्पष्टीकरण प्रफुल्ल देसाई ने दिया। 2020 की वो पिक्चर है। प्रफुल्ल ने कहा कि वो एक्सरसाइज उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा थी और ये क्लैरिफाई किया कि उनके इंस्ट्रक्टर वहां पर उनके साथ प्रेजेंट थे एंड ही वॉज होल्डिंग द हाउस। अपने अकाउंट को प्राइवेट करने पर भी प्रफुल्ल देसाई ने कहा कि मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स प्राइवेट करने पड़े क्योंकि लोगों ने उन पिक्चर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने अलग नैरेटिव के साथ उन पिक्चर्स को पोस्ट किया। प्रफुल्ल ने यह भी कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर कई लोगों से डेरोगेटरी मैसेजेस भी आए थे। प्रफुल्ल ने कहा कि मेरा परिवार चिंतित था, मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ और एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। इन लोगों ने मुझे बुली करने की कोशिश की, मुझे पर्सनल मैसेजेस भेजे जिसमें कठोर कमेंट्स लिखे हुए थे। मेरी पत्नी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरी तस्वीरें थी जिसे एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ लोगों ने यूज़ किया। मेरे पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था।
तो ऐसे कई सारे आईएएस आईएफएस तमाम तरह के अफसर पर इस तरह के अब दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन उन दावों की किस दावे में कितनी सच्चाई है और उस क्लैरिफिकेशन में भी कितनी सच्चाई है, ये यूपीएससी जाने, ये वो संस्था जाने जो एग्जाम कराती है। अब आईएएस पूजा खेडकर के बाद इस तरह के कई सारे नाम जो है सामने आ रहे हैं, कई सारे लोगों पर आरोप लग रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने अकाउंट्स जो है वो प्राइवेट कर लिए या फिर डिलीट कर लिए और कुछ लोग जो है वो खुलकर सामने भी आए। प्रफुल्ल देसाई कौन है आपको एक बार बता देते हैं। प्रफुल्ल देसाई दरअसल किसान परिवार से आते हैं, कर्नाटक के बेलगावी से आते हैं प्रफुल्ल देसाई। उनके लेफ्ट लेग में 5 साल की उम्र से उन्हें लेफ्ट लेग में पोलियो था और टोटली वो कंप्लीटली पैरालाइज नहीं थे, कुछ हद तक विजिबल डिसेबिलिटी थी। यूपीएससी में आने से पहले देसाई ने असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर काम किया कर्नाटक के इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जहां उन्होंने 3 महीने तक काम किया। इसके अलावा यूपीएससी 2017 में प्रफुल्ल देसाई ने दिया, लेकिन प्रीलिमिनरी एग्जाम प्रीलिम्स जो है वो क्रैक नहीं कर पाए। 2018 में उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया और इंटरव्यू जो है उसे क्लियर कर लिया। आपको बता दें प्रफुल्ल देसाई ने फिजिकल डिसेबिलिटी कोटा के तहत अप्लाई किया था, यूपीएससी ने उनके लिए मैंडेटरी किया कि उन्हें एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जिसका सुपरविजन करेगा एम्स का मेडिकल बोर्ड। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% का एक सर्टिफिकेट दिया, लेकिन प्रफुल्ल देसाई ने चूंकि मेन एग्जाम में कम स्कोर किया इसलिए वो ऑफिसर सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं बन पाए। हालांकि तीसरे अटेम्प्ट में 2019 में दिए गए तीसरे अटेम्प्ट में वो आईएएस अफसर बन गए। देसाई ने सभी यूपीएससी एग्जाम क्लियर की और 532 रैंक पाई और एम्स के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटी का 45% का सर्टिफिकेट दिया। ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।